तो दोस्तों आपने मेरी इन उंगलियों की आवाज़ अभी सुनी होगी। तो दोस्तों उंगलियां आदमी को चटकानी चाहिए या नहीं चटकानी चाहिए, अगर आप इंडियन आर्मी रैली भर्ती की तैयारी कर रहे हो तो इस वीडियो को ध्यान से आप देखें, अगर आप किसी फोर्स की तैयारी कर रहे हो तो इस वीडियो को ध्यान से देखें, अगर आप कुछ भी किसी भी चीज़ की तैयारी नहीं कर रहे हो फिर भी इस वीडियो को ध्यान से देखें, क्योंकि दोस्तों उंगलियाँ चटकाना कितना घातक है आपके लिए और उंगलियाँ चटकाने के बाद में क्यों इनमें आवाज़ आती है वो दोस्तों प्रमुख कारण अगर आप जानोगे तो आज के बाद आप उंगलियां नहीं चटकाओगे। आपको बताना चाहूँगा आपकी जो उंगलियां होती है इन्हीं उंगलियों के जो ये गैप होते हैं इनके बीच में आपको बताना चाहूँगा साइनोवियल नाम का एक एसिड होता है, वो एसिड के अंदर अगर कार्बन डाइऑक्साइड गैस घुल जाती है तो उसी कार्बन डाइऑक्साइड के कारण जब आप इस प्रकार करते हो इस प्रकार खींचते हो तो आपको चटकने की आवाज़ आती है। तो दोस्तों ये बहुत ही गंदी और भयानक आदत है, अगर आपने अपनी इस आदत को नहीं सुधारा, अगर आप अपनी उंगलियों को चटकाते रहे तो आने वाले समय में आपकी उंगलियां कमज़ोर से कमज़ोर हो जाएंगी और बुढ़ापे में आपकी उंगलियां इस प्रकार से मुड़ना भी बंद कर देगी और आने वाले समय में हो सकता है आपको गठिया जैसी भयानक बीमारी भी हो जाए। इसलिए आपसे मैं एक बात कहना चाहूँगा कि आप अपनी उंगलियों को बिल्कुल भी किसी भी तरीके से कहीं पर भी उंगलियों को चटकाएं नहीं, अगर आपने उंगलियों को चटकाया तो उसका नुकसान आपको हो सकता है। इसीलिए मैं आपको एक बार और यही कहना चाहूँगा कि प्लीज़ 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 आप अपनी उंगलियों को बिल्कुल भी नहीं चटकाएं और आने वाले समय में मैं प्रमुख एक्सरसाइज बताऊँगा जिसके द्वारा आपकी उंगलियाँ अगर इस प्रकार की है तो उसको किस प्रकार से सीधा करें। उसके लिए मैंने पहले भी वीडियो बनाया है, आगे भी वीडियो बनाऊँगा और दोस्तों मुझे विश्वास है आपको ये छोटी सी जानकारी जरूर पसंद आई होगी। अगर आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए जय हिंद।